हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है झारखंड SSC की तरफ से 10+2 यानी कि इंटर लेवल की वैकेंसी 2024 की रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, इसमें टोटल 2 टाइप्स के पोस्ट रहेंगे। बम्पर नंबर की सीट है, 863 पोस्ट यानी 863 सीट्स रहेगा। तो आगे हम लोग जानेंगे इसकी फुल्ली डिटेल्स। देखिए फ्रेंड्स, ये होती है ग्रुप सी की पोस्ट। लेवल 2 की जॉब होती है, लेवल 2 का सैलरी दिया जाता है। वैसे तो ये झारखंड की वैकेंसी है, लेकिन ऑल इंडिया के मेल तथा फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। तो अगर आप भी इसके बारे में बाकी जानकारी चाहते हैं तो फुल वीडियो को तो वॉच करें, साथ ही साथ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। आए दिन जो न्यू वैकेंसी होती है उससे रिलेटेड लिंक और PDF आपको वहां पर मिल जाया करेंगे। चलिए फिलहाल डिस्कस करते हैं झारखंड SSC 10+2 लेवल की न्यू वैकेंसी के बारे में। पोस्ट की जैसा ही आपको पहले ही बताया कि 2 तरह का पोस्ट है, क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए। अप्लाई डेट 11th of July से लेके लास्ट डेट 10 अगस्त रहेगा। तो आपको लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, 11th of July से स्टार्ट हो चुका है। तो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दोगे आप, तो बाद में सर्वर इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल बता दूं कि फॉर्म की फी क्या रहेगी। अप्लाई करते वक्त जनरल OBC और EWS से 100 रुपीज यानी 100 रुपया लिया जाएगा। वहीं पर अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपसे 50 रुपीज लिया जाएगा। और फ्रेंड्स, एज की जो लिमिट है 18 वर्ष से 35 वर्ष यानी कि 18 to 35 ईयर्स एज लिमिट है। लेकिन आपको पता है कि अपर एज में रिलैक्सेशन मिलता है, तो सभी कैटेगरी के लिए, मेल फीमेल सबके लिए बताती हूँ कि रिलैक्सेशन क्या है। देखिए, BC1 के लिए है 2 ईयर्स यानी कि 18 वर्ष से 37 वर्ष, BC2 के लिए भी 2 ईयर्स ही है। SC ST वालों को मिलता है 5 वर्ष का छूट, तो उनके लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष रहेगा। जो फीमेल कैंडिडेट है BC1 BC2 की और जनरल जो भी कैंडिडेट है, SC ST के अलावा जो भी महिला कैंडिडेट है, सबको 3 वर्ष का छूट मिलेगा यानी उनके लिए 18 वर्ष से 38 यानी 38 ईयर्स रहेगा। क्वालिफिकेशन की रही बात, तो पहले ही बता दिया है कि इंटर लेवल की वैकेंसी है 10+2 लेवल। तो जिन्होंने भी इंटर पास कर रखा है, डजंट मैटर कि आपका आर्ट्स है, साइंस है या कॉमर्स है, किसी भी स्ट्रीम से आपने 10+2 पास कर लिया है, डजंट मैटर व्हाट इज योर परसेंटेज, आप सब एलिजिबल रहोगे। बेसिक सारी जानकारी बता दी है, अब बता दूं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। देखिए, सिलेक्शन आपका 4 स्टेज से गुजरने के बाद होगा। पहले स्टेज पर रिटन एग्जाम यानी कि आपका ऑफलाइन पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। फिर स्किल टेस्ट होगा, मतलब आपको पता है कि स्टेनोग्राफर है और क्लर्क है, तो क्लर्क के लिए टाइपिंग और स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनो का टेस्ट होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद सिंपल सा मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आते ही आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंचने से पहले किन किन स्टेज से गुजरना होगा, आइए उनको हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक ही स्टेज का एग्जाम होता है, इसका रिटन एग्जाम ऑफलाइन होता है, लेकिन वो 3 पेपर में डिवाइडेड होता है। देखिए, पेपर फर्स्ट आपका लैंग्वेज यानी भाषा का पेपर होता है, इसमें मिनिमम 30% आपको लाना होता है, मतलब कि ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। 120 क्वेश्चन फॉर 360 मार्क्स, मतलब कि पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलते हैं। समय रहता है 2 आवर्स यानी 2 घंटे का एग्जाम होता है, मतलब ओवरऑल नहीं, सिर्फ पेपर 1 2 घंटे का होगा और निगेटिव मार्किंग 1 रहेगा। अब लैंग्वेज का पेपर है तो हिंदी से 80 क्वेश्चन और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये होगा आपका पहला 2 घंटा पेपर 1, उसके बाद एक छोटा सा गैप यानी ब्रेक दिया जाता है, फिर आपका पेपर 2 होता है। पेपर 2 सेम ही 2 घंटे का रहता है, ये आपका रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा का आपसे परीक्षण किया जाता है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन फॉर 300 मार्क्स होते हैं, मतलब पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलते हैं और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी 1 रहता है। अब रीजनल लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेज है, तो आइए बता दूं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, संथाली, बांग्ला, मुंडा, हो, खड़िया, उड़ाव, कुरमाली, उड़िया,
खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया इत्यादि। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इतना सारा लैंग्वेज आपको आना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। कोई मतलब होते हैं कोई कोई ऐसे रेयर लोग जिनको सारा लैंग्वेज आता होगा, मोस्टली लोगों को हिंदी या इंग्लिश या फिर कोई एक लोकल लैंग्वेज आता होगा। तो आपसे बोला गया इनमें से कोई एक, तो इसमें से मान लीजिए कि मुझे हिंदी आता है तो मैं हिंदी का 100 क्वेश्चंस दूंगी, जिससे इंग्लिश आएगा वो इंग्लिश का। आई होप कि आप रीजनल लैंग्वेज का पोर्शन समझ गए होंगे। तो ये आपका अगला 2 घंटा होता है, फिर उसके बाद ब्रेक होता है, तब आपका क्या होता है पेपर 3 होता है। पेपर 3 आपका 120 क्वेश्चंस के लिए होता है और 360 मार्क्स, मतलब यहाँ पर भी पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं। समय 2 घंटे का और निगेटिव मार्किंग इसमें 1 रहता है। देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चंस, उसके बाद झारखंड का जो जीके है, झारखंड का सामान्य अध्ययन यानी कि आपको जीके, जीएस एंड करेंट अफेयर्स रिलेटेड टू झारखंड पर के रट के जाना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें किसी और सब्जेक्ट का है, पर आपको 40 क्वेश्चन झारखंड से होने वाला है। उसके बाद आपका कंप्यूटर और हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस रहेगा। तो इस बार वेटेज इसमें आपका ज़्यादा कंप्यूटर का रहेगा, लेकिन झारखंड का एग्जाम है तो वहाँ से रिलेटेड 40 क्वेश्चन रहेगा। तो एक कोई सा भी करेंट अफेयर्स का बुक ले लीजिए और जो झारखंड का इतिहास, भूगोल सारा कुछ अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखिए ये आपका पेपर 3, मतलब टोटल मिला के बात करूँ ना तो आपका एग्जाम होता है 6 घंटे का। और हाँ, ये सेम डे ही कंडक्ट कराया जाता है आपको, ये ऑफलाइन पेपर है। तो अगर दूसरे स्टेट से अप्लाई करेंगे तो झारखंड में आके एग्जाम देना होगा, झारखंड के अलग अलग जिलों में जो एग्जाम सेंटर होगा वहां पर आपको पेपर देना होगा। तो ये तो रही एग्जाम की बात, एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको पता है कि क्लर्क है तो टाइपिंग का नीड है, स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनो आना चाहिए, तो उसका एक स्किल टेस्ट होता है कब रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद। तो देखिए स्टेनो की अगर बात करें तो स्टेनो में 80 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। लेकिन जो सिंपली जिन बच्चों ने क्लर्क की पोस्ट के लिए किया है अप्लाई, उनका 10 मिनट का टाइपिंग का टेस्ट होता है 250 वर्ड्स यानी 250 शब्दों के लिए। और देखिए झारखंड के लिए यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग नहीं होता है, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी टाइपिंग से ही आपका टेस्ट होगा। 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और ये मैंने बता दिया है स्टेनोग्राफर के लिए, स्टेनो तथा हिंदी टाइपिंग। इसमें स्पीड हिंदी टाइपिंग का 5 थोड़ा ज्यादा है, मतलब कि हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट, 80 वर्ड्स पर मिनट। आई होप स्किल टेस्ट समझ गए होंगे। तो जब स्किल टेस्ट में आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी कि सही डॉक्यूमेंट्स है या इसमें कुछ फ्रॉड वगैरह है, वो सब कुछ सिंपल एक चेक किया जाता है। उसके बाद आपका सिंपल सा मेडिकल होता है, फिर आपको ज्वाइन करा दिया जाता है झारखंड में। आप लेवल 2 के LDC या फिर स्टेनो के रूप में वर्क कर सकते हैं। तो सैलरी क्या मिलती है आइए बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लेवल 2 की सैलरी है तो कहने के लिए है कि 19,000 समथिंग से आपका शुरुआत होता है, लेकिन जो आपको सैलरी दी जाती है ना, सैलरी स्टार्टिंग में आपका 35,000 यानी कि 35,000 सैलरी शुरू में ही दिया जाता है, बाद में उसको बढ़ा के 81,100 रुपीस कर दिया जाता है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए, तो इसे मिस ना करें। आई होप कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल गई होगी। अब भी कुछ पूछना है तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वहाँ पर आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी नई जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।